जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज से एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिया गया है। ये क्लास उन सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे SSC GD, रेलवे, दिल्ली पुलिस, UP SSSC, अदर एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट लेवल के होते हैं। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको इसी क्लास को देखने के बाद में बहुत सारे प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। यदि आपको जवाब आता हो तब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, कमेंट कर दें प्रश्न पढ़ने से पहले ही। तब इसका सही जवाब क्या होगा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1952 में। लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था। यदि आपका जवाब 1952 है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन है, तब ये कौन सा विटामिन होता है। विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, और अगला ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, अगला ऑप्शन है विटामिन जी होगा। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए का होना आवश्यक होता है। यह प्रश्न, यह क्लास आपके SSC GD एग्ज़ाम हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, UP SSSC का एग्ज़ाम हो गया, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, अर्थात जो एग्ज़ाम जो भी हो, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के डैश डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, तब किसके अंतर्गत हुआ था, ये पूछा गया इसमें। आप बताएं किसके अंतर्गत हुआ था। इसका निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा को क्या कहते हैं। अब इसमें पूछा गया कि जो उत्तर कोरिया की, जैसे कि मान लीजिए कि ये उत्तर कोरिया है, ठीक है, और ये सीमा है, और ये दक्षिण कोरिया है, ठीक है, तब इनके बीच की जो सीमा को क्या कहेंगे। इसके बीच की जो सीमा है इसे क्या कहा जाएगा, आप बताएं इसे क्या कहेंगे आप लोग। तब इसे क्या कहेंगे आप लोग, इसे आप कहेंगे 38वीं समांतर रेखा। क्या कहेंगे? 38वीं समांतर रेखा आप लोग इसे कहेंगे, जो कि बहुत बार ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और आने वाली जो एग्जाम्स हैं या शिफ्ट हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रही है। अगला प्रश्न है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तब ये कहाँ पर स्थित है। यह स्थित है हिंद महासागर में। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में। फोर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है रेलवे और SSC UP SSSC एग्जाम में और दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। जो संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति करता है वह करता है राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। अब इसमें पूछा गया है जो लार होती है वह किसके पाचन में मदद करती है। आपको यदि जवाब आता हो तो कमेंट करें। तब ये किसके पाचन में सहायक होती है, यह सहायक होती है स्टार्च के पाचन में, ठीक है, स्टार्च के पाचन में। इस तरह से बी वाला आपका ऑप्शन ठीक होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की GK GS और अन्य क्लासेस आपको समय से
नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप सोडा वाटर की यदि बोतल खोली जाती है तब उसमें से कौन सी गैस निकलती है, आप बताएं कौन सी गैस निकलती है। इसमें निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा, जिसे कहते हैं एसिड रेन भी कहा जाता है उसके लिए, का कारण बन सकती है। तब कौन सी गैस कारण बन सकती है, क्या CO होगी, यहाँ CO होगा, हो गया यहाँ C2 मान लीजिए, SO2 होगी, या फिर CH4 होगी। तब वह कौन सी गैस होगी, यदि आपको जवाब आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा SO2। कौन सी होती है, SO2 होती है। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। जो शरीर के जो अंदर जो अंग होते हैं उनका जो यदि टेस्ट किया जाए या टेस्ट किया जाता है या परीक्षण किया जाता है तब किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। यदि आपको जवाब आता है तब आप कमेंट करें। इसकी जांच की जाती है एंडोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चर्चित किताब हेमलेट कौन सी किताब है। यह किताब है हेमलेट। कौन सी किताब, हेमलेट, जो कि ये SSC के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा है। तब इसका सही जवाब होगा विलियम शेक्सपियर। इसके राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उबेर कप का संबंध किससे है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तब उबेर कप का संबंध किससे है, यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। इसका संबंध है विश्व बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन से। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। अर्थात जो कौटिल्य थे, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से था, बताएं आप लोग, जो कि यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से था, अर्थात ये किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, बताएं आप लोग। ये थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। किसमें, तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते थे। कौन थे, प्रोफेसर थे। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। कौन सी विशिष्ट ऊष्मा, तब ये विशिष्ट ऊष्मा कौन किस में सबसे अधिक होती है, ये होती है, क्या लोहा में होती है, लोहा में नहीं होती है, तांबा में होती है, इसमें भी नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की अगले ऑप्शन की तरफ। तब ये किस में होती है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक, तब ये किस में होगी, पारा में भी नहीं होती है, तब किस में हो जाएगी, पानी में विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आप लोगों को साथियों बताना चाहूँगा कि इस क्लास में 25 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि किसी ना किसी शिफ्ट में अवश्य पूछ लिए जाते हैं या एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है आपके लिए। इस तरह की क्लासे आपको लगातार प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि बार बार प्रश्न जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आप चैनल पर बने रहें। यदि आप जो भी भाई या बहन क्लास को देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप क्लास लाइक करना भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, कब हुई थी, 1948 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में WHO के अध्यक्ष
कौन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। अब इसमें पूछा गया है कि जो सिख गुरु थे, कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्हें जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। तब ये कौन से गुरु थे बताएं आप लोग, कौन से गुरु थे? क्या ये गुरु हरकिशन थे? ये नहीं थे। गुरु तेग बहादुर थे? ये भी नहीं थे। दो ऑप्शन इसके नीचे दिए रखे हैं। तब कौन से थे? क्या गुरु गोविंद सिंह थे? बताएं आप लोग, अब तो बताएं, 50-50 में आ चुके हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव थे, इनके लिए जो फांसी अर्थात मृत्युदंड दिया था, वह किसने दिया था? वह दिया था जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। जो कि प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, इसलिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें इसे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। जो ये पार्टी की जिस जो स्थापना की गई थी, इसमें से जो ऑप्शंस दिए रखे इनमें से एक और कौन थे? तो वो कौन थे आपको बताना है, वो थे कौन? वो थे, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? भय थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है आपको बताना है, इसका विस्तार कितना है। तो पहला वाला ऑप्शन है, ये वाला आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। अब आपको बताना प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। ये नहीं है बिक्री कर, एक ऐसा कर है जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तब प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे होता है? क्या उद्योग से होगा, व्यापार से होगा? बताएं आप लोग, इसका किससे होगा? ना तो उद्योग से होगा, ना व्यापार से होगा। दो ऑप्शन इसके नीचे दे रखे हुए हैं। तब किससे होगा? प्राथमिक उद्योग क्षेत्र का संबंध किससे होगा, जो कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका संबंध किससे होगा, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे होगा? आप कमेंट करके बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है, अर्थात CNG का जो पहला टर्मिनल प्लांट है, इसकी स्थापना कहाँ की है, अर्थात आधारशिला रखी गई है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा भावनगर गुजरात में। कहाँ? भावनगर गुजरात में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये प्रश्न हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए, जो कि हमें इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए इस प्रश्न को ले लिया गया है। JC डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बताएं आप लोग, ये किसे सम्मानित किया गया है? क्या पी जय चंद्रन है? ये नहीं है। और ऑप्शन इसके नीचे दे रखे हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कौन होंगे इसके, कमेंट करें आप लोग। इसके होंगे KP कुमारन। कौन हो जाएंगे? KP कुमारन। डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी। तब किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, किस सन में की गई थी? आप बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। इसकी शुरुआत की थी 1892 में। यदि आपका जवाब ऑप्शन डी था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। तब कौन सी रियासत थी जो सबसे बड़ी थी? पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब है। कौन सी थी? हैदराबाद रियासत।
और किसके द्वारा इसे विलय किया गया भारत में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसके द्वारा इसे विलय किया गया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और इसी तरह की जी की जी एस की इंपॉर्टेंट क्लासेस मैथ और रीजनिंग की पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और क्लास को आप लाइक करना आप लोग ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।